Hello everyone. Welcome back to Natak. तो आज की वीडियो में हम पार्ट टू यूनिट टू के पार्ट टू को डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष यूनिट वन के दो दो लेसन है आपके पास वो हम ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं ठीक है थीके? तो हम इस वीडियो में बेसिकली यूनिट के पार्ट को देखेंगे ठीक ठीक है है दिस वन इसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चलिए शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए पीडीएफ तो वो भी फ्री में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एक लव्य स्नातक वन के नाम से है ओके तो सोशल मीडिया हम हर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सोशल मीडिया क्या है कैसे है उसका महत्व क्या है उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट क्या है है ना तो इस वीडियो जो होगी ये वाली वीडियो इसमें थोड़ा सा डिफ, डिफरेंट हम डि, डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हटके डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया के बारे में खासकर उसके व्यवहारिक पक्ष को डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं आज एडवर्टीजमेंट आपने वर्ड तो बहुत सुना होगा एडवर्टीजमेंट उसने अपनी एड चला दी वहां पर उसकी एड है जिस इसकी वजह से उसका बिजनेस फल फूल रहा है, है ना तो एडवर्टीजमेंट जो है इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये शब्द आया कहाँ से So, एक लैटिन भाषा जो है जिसको हम एडवर्ट कहते हैं उसके थ्रू जो है जिसका मतलब क्या होता है एडवर्ट का मतलब होता है मनुष्य की मन स्थिति को मोड़ देना मतलब आप कुछ सोच रहे हैं तो आपको आपने वो एडवर्टीजमेंट देखी तो उससे ना आपकी मन की स्थिति जो भी जो भी होगी करेंटली वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी ठीक है तो इसी शब्द जो एडवर्ट है इसी से ये जो शब्द है एडवर्टीजमेंट बना है ठीक है तो जब हम एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये आप बता सकते हैं कि अपनी बात को मोहक व सटीक ढंग से जन सामान्य तक पहुंचाना जहां इसे पहुंचाने के कार्य को विज्ञापन कहा जाता है मतलब आपके कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको सेल करना है तो लोगों को आपकी लीड जनरेट ज्यादा हो उसके लिए आप कुछ लाइक इंटरेस्टिंग तरीके से सटीक टारगेट करके ऑडियंस को और उन तक उस चीज को को एडवर्टाइजमेंट पहुंचाते हैं तो बेसिकली विज्ञापन को पहुंचाते हैं तो उसी को बेसिकली विज्ञापन कहते हैं ठीक है देखिए अब हमारी आपके की बुक में आपने देखा होगा कि आपको एक टॉपिक दिया हुआ है सामाजिक अभियान के लिए विज्ञापन हेतु रणनीति अगर आपको सामाजिक अभियान चलाने हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि कैसे इस प्रकार के विज्ञापनों को ना नियमित करने के लिए पहले संदेश को संक्षिप्त विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि यह सामग्री जो है वो समाज के लिए लाभदायक में है या नहीं अगर आप किसी सामाजिक अभियान के लिए विज्ञापन बना रहे हैं तो उसके संदेश जो है उसके बारे में विश्लेषण करना खोजबीन कर लेना बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर आप जो भी विज्ञापन चलाने वाले हैं वो लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं ठीक है उसका निर्णय लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है सेकंड आप ये बता सकते हैं ये कर सकते हैं कि फिर तय करें आपकी जो संदेश है ना आपका उसको देने के लिए कौन सा विज्ञापन माध्यम सही रहेगा फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो न्यूज पेपर पढ़ना पसंद करता है पर अगर आप उसको उस विज्ञापन को न्यूज पेपर की जगह टीवी पर चलाएंगे तो क्या वो उसके लिए हेल्पफुल होगी उस ऑडियंस के लिए नहीं तो मतलब माध्यम को करेक्ट माध्यम सिलेक्ट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है है ना कि आपको अपने विज्ञापन को कहाँ पर चलाना है ठीक है किस प्रसारण माध्यम की मदद से यह महत्वपूर्ण परिणाम दिखाएगा और यह भी कि कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखाना चाह रहे हैं है, है ना इसी के साथ साथ आप अपने कुल लक्षित दर्शकों का चयन करें जिनमें आप संपर्क करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एटीन प्लस के लोगों के लिए है ठीक है पर वो जो आपका एड है वो एटीन माइनस लोगों के पास भी वो एड जा रहा है तो फिर इससे क्या होगा आपका लाइक एड भी वेस्ट जा रहा है आपके ऑडियंस सही नहीं मिल रहे जिसको जरूरत उसके पास नहीं जा रहा है एड तो इस वजह से अपने ऑडियंस को टारगेट करना जिसको करेक्ट ऑडियंस टारगेटिंग भी कहते हैं वो करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि आपका बजट कितना है फॉर एग्जाम्पल आपका बजट है एक लाख और आपके खर्चे हो रहे हैं दो लाख तो आप उस उस सिचुएशन में तो आप अपने एडवर्टीजमेंट को रन नहीं कर सकते ना सो अपना बजट को पता करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है और इसी के साथ साथ उस उपकरण और तकनीक का निर्धारण करें, जिसकी मदद से आप संवाद करना चाहते हैं अपने लक्ष्य दर्शकों तक पहुंचना चाहते हैं मतलब आप किसी वीडियो के थ्रू अपने दर्शकों तक पहुंचना चाहते हैं या कोई एक लाइक स, समागम बनाना चाहते हैं है ना और लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने स्पीच देना चाहते हैं आपका लक्ष्य क्या है आप लोगों के साथ अगर संवाद करना चाहते हैं तो कैसे करना चाह रहे हैं उसका भी निर्धारण करना इंपॉर्टेंट हो जाता है विज्ञापन में ठीक है खासकर जब आप सामाजिक के लिए कर रहे हो ठीक है सामाजिक अभियान के लिए किसी कर रहे हो तो ठीक है अपने एजेंडा और महत्व के बारे में पी एस ए को समझाएं जो कि प्रसारण के लिए अन्य टोल उपलब्ध कराएगी पी एस एक ए एक एडवर्टीजमेंट का वो है ठीक है जो आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन से टूल का यूज करना चाहिए कौन से टूल का यूज नहीं करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है विज्ञापन लेआउट में निम्नलिखित तत्वों को चयनित किया जाता है तो ये जो विज्ञापन लेआउट होता है जब विज्ञापन का पूरा लेआउट तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजों को डिस्कस किया जाता है उसको आपको बताना है सबसे पहले यहाँ पर होता है कॉपी कॉपी का मतलब ये मत समझिएगा जो आप जिस भी कॉपी में लिखते हैं ठीक है यहाँ पे कॉपी का मतलब है कि किसी भी विज्ञापन में लिखी वाली जो जितनी भी समस्त सामग्री होती है चाहे वो हेडिंग हो शीर्षक हो सब हेडिंग हो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो सारी चीजें कॉपी में ही आती हैं, कॉपी का ही एक भाग होती है जब हम विज्ञापन की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? शीर्ष पंक्ति शीर्ष पंक्ति आई होप आपको पता होगा हेडलाइन कि हेडलाइन क्या होती है सबसे आ, सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में छापा जाता है है विज्ञापन के वो वो क्या करता है कि जितने भी पाठक होते हैं ना उनकी नजर को अपनी ओर आकर्षित करता है तो हेडिंग का काम ही यही होता है ठीक है उसके बाद आता है हमारा उप शीर्षक पंक्ति मतलब सब हेडिंग यह भी एक प्रकार की शीर्ष पंक्ति ही होती है इनकी क्या छपाई का आकार जो है शीर्ष पंक्ति शीर्ष पंक्ति से छोटा होता है तथा विज्ञापन के अन्य सामग्रियों से बड़ा होता है यहाँ पे देखिए हेडिंग हमारा सबसे बड़ा होता है ठीक है और जो सब हेडिंग होती है वो उससे छोटी होती है और जो कंटेंट होता है वो उससे छोटी होती है ठीक है तो हेडिंग यहाँ पे ये यह है और सब हेडिंग ये है ठीक है और मेन कंटेंट जो रहता है तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो हमारा मेन कंटेंट होता है विज्ञापन का उससे बड़ी होती है क्या हमारी शीर्ष उपशीर्ष पंक्ति ठीक है और उप शीर्ष पंक्ति से क्या बड़ी होती है हमारी शीर्ष पंक्ति जिसको आप हेडिंग और सब हेडिंग में अच्छे से समझ सकते हैं है ना नेक्स्ट हमारा आता है विज्ञापन पाठ इसमें क्या होता है उत्पाद के विषय में पूरी जानकारी देना तथा पाठकों के मन पर उसका असर डालने का कार्य विज्ञापन पाठ का होता है मतलब जो भी आपका बेसिकली कंटेंट मान लीजिए आप जो भी आपका विज्ञापन है आपने हेडिंग अच्छी बना ली सब हेडिंग अच्छी बना ली पर अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो वो लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएगा सो जो आपका विज्ञापन पाठ होगा वही जो है विज्ञापन पाठ जो है वो लोगों पर असर डालता है ठीक है

लोगों को और अच्छी समझ बनाने के लिए चित्र जो होता है उसकी उपयोगिता विज्ञापन में किसी भी विज्ञापन में आवश्यक हो जाती है सर्वमान्य हो जाती है ओके नेक्स्ट आपसे पूछा आप ये बता सकते हैं कि व्यवहारिक चिन्ह आपने पता ही होगा आपको ट्रेडमार्क के बारे में जिनको कोई भी निर्माता कंपनी जो है अपनी पहचान के लिए विज्ञापन में इस्तेमाल करती है उस ट्रेडमार्क से पता चलता है कि किस कंपनी का जो है विज्ञापन है ठीक है नेक्स्ट साइन कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को नकली उत्पाद से बचाने के लिए क्या करते हैं वहां पे सिग्नेचर करते हैं ठीक है ठीके? जो ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये ओरिजिनल वर्क है ओरिजिनल चीज है और सफेद जगह आपने कई बार एडवर्टीजमेंट में नोट किया होगा कि वहां पे ना सफेद जगह भी होता है तो किसी भी विज्ञापन में जितना महत्व तो कॉपी का होता है या फिर चित्र का होता है उतना ही महत्व खाली सफेद जगह होती है ना उसका भी होता है बिकॉज जो सफेद जगह होता है उसके कंट्रास्ट में जो चित्र है ना वो उभर कर आता है और यह एक समीक्षा में सॉरी यह एक सीमा में ही रखी जाती है और इसके लिए भी जो ब्लैंक जगह है उसके लिए भी पे करना पड़ता है ठीक है बॉर्डर बॉर्डर का आपको पता बताएगा अगर आपने स्कूल में भी एडवर्टाइजमेंट बनाया होगा तो बॉर्डर आपको मस्त होता था बनाने के लिए है ना विज्ञापन बनाने वक्त तो बॉर्डर बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि जो आपका विज्ञापन का लेआउट है वो और आकर्षक बन सके और जितने भी आपके लाइक चित्र कंटेंट जो भी है ना आपका उन वो एक बॉक्स में एक लाइन में अंदर रहे तो लोगों की नजर जो है डायरेक्ट कंटेंट पर जाए ठीक है तो विज्ञापन के चारों ओर बॉर्डर बनाया जाता है इस वजह से और आकर्षक आपके लेआउट को बनाने के लिए ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं विज्ञापन लिखने के लिए क्या बक्सा बनाना जरूरी होता है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है और वो कितने भी नंबर का आ सकता है दस नंबर का भी आ सकता है पांच नंबर का भी आ सकता है तो आपको बताना है कि ये जो विज्ञापन लेखन होता है इसमें बक्सा बनाना क्यों जरूरी होता है भाई तो आप ये बता सकते हैं कि आयताकार का एक बक्सा जिसमें विज्ञापन के चित्र और भाषा दोनों होते हैं वह उस नजर पर ज्यादा गहरी पड़े इसके लिए उसके चारों ओर जो है एक महीन सी रेखा खींची जाती है देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका मेन कंटेंट है उस पर नजर पड़ने के लिए ही और आकर्षक बनाने के लिए उसके चारों ओर जो है एक लाइन खींची जाती है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट लेखन के प्रकार क्या है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करना आई होप कि आपने ट्वेल्थ क्लास में रिपोर्ट लिखा होगा कि कैसे लिखा जाता है रिपोर्ट है ना इंग्लिश में भी रिपोर्ट राइटिंग आती है ठीक है तो उसी प्रकार का आप कुछ समझ सकते हैं रिपोर्ट लेखन तो रिपोर्ट लेखन बेसिकली व्यक्तिगत संगठनात्मक और वर्णात्मक होता है इन तीनों को हम एक एक करके अच्छे से पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाली स्लाइड में तो व्यक्तिगत रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत रिपोर्ट वो रिपोर्ट होता है जिसमें ना किसी व्यक्ति या संगठन के साथ साथ उनके जितने भी अनुभव हैं उन पर केंद्रित होते हैं और वर्णात्मक रिपोर्ट संगठन या घटना के विवरण का वर्णन करते हैं तो बेसिकली जिस जो भी घटना हुई है किसी भी संगठन के साथ व्यक्ति के साथ उसका विवरण करते हैं व्यक्तिगत रिपोर्ट जो होते हैं ठीक है तीके? और संगठनात्मक रिपोर्ट वो होते हैं इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था या सभा बैठक इत्यादि के विवरण दिया जाता है तो व्यक्तिगत रिपोर्ट में बेसिकली व्यक्ति के बारे में ठीक है और संगठनात्मक नाम से पता चल रहा है किसी संस्था या सभा के बैठक के बारे में विवरण दिया जाता है ठीक है और विवरणात्मक रिपोर्ट क्या होता है इसमें क्या होता है ना किसी भी घटना के बारे में प्रॉपर एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसमें घटना कब हुई कहाँ पर हुआ किसके साथ हुआ क्या जगह थी क्या टाइमिंग थी पूरी डिटेल आप कह लीजिए ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है पूरे एक दस्तावेज के रूप में तैयार की जाती है जिसमें पूरा विवरण दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर आ, इवेंट के लिए घटना के वजह के लिए ठीक है तो इस उसको ठीक है तो या स्थिति का विस्तृत विवरण जिसमें दिया जाता है तो उसको विवरणात्मक रिपोर्ट कहा जाता है ओके okay? अब हम देखते हैं विज्ञापन लेखन की विशेषताएं क्या है अभी हमने देखा विज्ञापन के बारे में देखा तो अब हम देखते हैं कि विज्ञापन लिखने की इंपॉर्टेंस क्या है विशेषताएं क्या है तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि विज्ञापन जो है संदेश पहुंचाने का व्यापक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश को बार बार दोहराया जाता है विज्ञापन जनता के सामने सार्वजनिक रूप से सामाजिक हित में संदेश प्रस्तुत करने में मदद कर, अ, मददगार साबित होती है अगर आपको अ, लोगों के सामने संदेश पहुंचाना है इफेक्टिव तरीके से तो विज्ञापन अपने आप में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है ठीक है उसी के साथ साथ विज्ञापन द्वारा एक ही संदेश को विभिन्न प्रकार के रंग रंगों चित्रों शब्दों इत्यादि सुसज्जित तरीके से जनता तक पहुंचाया जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि विज्ञापन में कलरफुल चीजों का डायग्राम्स का, का रंगों का उपयोग किया जाता है तो वो बहुत आकर्षित हो जाता है और सुसज्जित तरीके से उसका उपयोग किया जाता है और जनता तक पहुंचाया जाता है है ना उसी के साथ साथ जो विज्ञापन होती है उसमें ना सदैव व्यक्तिगत होता है अर्थात कभी कोई व्यक्ति आमने सामने नहीं आता है विज्ञापन जो विज्ञापन जिसका विज्ञापन है और जो उस विज्ञापन को देख रहा है क्या वो कभी आमने सामने आते हैं नहीं पर उसके बावजूद जो जो नॉलेज भी इंफॉर्मेशन uh, पहुंचाना चाहते हैं वो भी एक दूसरे तक पहुंच जाती है ठीक है so, सो विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहकों को जोड़ना तथा विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना ऐसा ना हो कि केवल आप न्यू कस्टमर्स ला रहे हैं और आपके पुराने कस्टमर जो है वो खराब हो रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हैं आपको आपके ऊपर से उनका विश्वास हट रहा है तो बेसिकली विज्ञापन का काम ही वही होता है कि जो ऑलरेडी आपके के कस्टमर है और नए कस्टमर को जोड़ना दोनों को बनाए रखना ठीक है तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग